आज हम एक ऐसे फिल्म स्टार की बात करने जा रहे हैं जिसका पूरा ख़ानदान लगभग कई पीढ़ियों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना वर्चस्व जमाए हुए है। आप समझ ही गए होंगे, वैसे मैं बताने चाह रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर के जो माता पिता हैं, उनके पिता का देहांत हो गया, और ऋषि कपूर और नीतू सिंह बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस थी। उनके फादर जो थे राज कपूर, उनको पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया में उनका नाम था। और उनके भी जो फादर थे पृथ्वीराज कपूर, तो पूरा फैमिली जो है समथिंग रन्स इन देयर ब्लड, ऐसा कह सकते हैं। तो उनके खून में ही एक्टिंग और फिल्में बहती हैं। लगता है खून कम बहता है और फिल्में ज़्यादा बहती हैं। उसी कड़ी में रणबीर कपूर जो हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। और इनका जो कैरेक्टर है काफ़ी रंगीन है, और जितना रंगीन कैरेक्टर है उतने ही मजे हुए कलाकार हैं। तो आज इनकी कुंडली से बात करते हैं। और हमारी जो ये सीरीज़ है, इसमें हम एक ग्रह कैसे आपके जीवन में उत्थान करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और एक ही ग्रह आपके जीवन में पतन भी लाता है, हम ऐसा भी समझते हैं। और बीच बीच में इस तरह की कुंडलियों की बात करते हैं। तो बात करते हैं रणबीर कपूर की। इनकी जो कुंडली है मेरे पास, मकर लगन की कुंडली है, और मकर ही इनकी राशि है, दोनों ही मकर हैं। कुंडली से बात करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए भी। कुंडली है मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में चंद्रमा है, छठे भाव में राहु है, नवम भाव में चार ग्रह हैं, और उसमें है शनि है, सूर्य है, बुध है और शुक्र है, और दशम में गुरु है, और एकादश भाव में मंगल है, और द्वादश में केतु है। तो इनकी बचपन से बात शुरू करते हैं। इन्होंने खुद ही बोला हुआ है, ही वॉज क्वाइट वोकल अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड। बहुत उत्तम घर में पैदा हुए, बहुत नामी ग्रामी लोगों के यहाँ पैदा हुए, नीतू सिंह और ऋषि कपूर के यहाँ। उन दोनों में, ऋषि कपूर और नीतू सिंह में, बचपन में बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, उनमें झगड़े होते रहते थे। तो ये बोलते हैं कि मैं जब उन झगड़ा होता था रात में खासतौर से, तो ये सीढ़ियों में बैठ जाते थे और इनका सिर अपने घुटनों में छुपा कर 4-5 बजे तक बैठे रहते थे। इस तरह से बचपन के बहुत सारे वर्ष बीते। इसी बीच में पढ़ाई थी, पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। तब तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, डिप्रेशन था, लेकिन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर आप इतने इमोशन से गुजरेंगे रोज़, एक बच्चा जो अभी नादान है, फिर टीनेज में है, तो उसको बहुत तरह के अनुभव हो जाते हैं। पहले उसको अपने से, पूरे माहौल से नफरत हो जाती है, और अगर आपके खून में एक्टिंग कूद रही हो तो फिर कलाकार वहाँ से पैदा होना शुरू होता है। तो अगर हम इस कुंडली की बात करें, मैं थोड़ा सा अलग तरह से बात करता हूँ, फिर एक ग्रह की बात करूँगा। तो यहाँ पर जो मंगल है वो बंधक पति है, बाधक है, बंधकाधिपति है। तो मकर लग्न के लिए मंगल बाधक होता है और एकादश भाव में है, और एकादश भाव जो है वो भाव जो है ख़ास तौर से मदर को रिप्रेजेंट भी करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है और इलेवेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर है कि जो मदर को और सुख को, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो बाधक होने के कारण, इतना सब कुछ आलीशान माहौल होने के कारण, और इतना जो भी आप चाहें खाएं पिएं, कोई आपको असुविधा नहीं है, लेकिन जो मानसिक शांति है दैट इज़ मिसिंग। तो बाधक ग्रह ऐसा करता है, आप सब जानते हैं। इस कुंडली में जो महत्वपूर्ण ग्रह है जिसने बदलाव किया, एक कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, जैसे 9th हाउस में सूर्य है, शनि है, बुध है और शुक्र है। तो यह एक प्रवज्र राजयोग है, वो तो अपनी जगह पर है ही, 9th हाउस में है, भाग्य स्थान में है। तो भाग्य स्थान में चार ग्रह होंगे तो अपने आप में ही आपका, आप जिस परिवार में पैदा हों, पैदा होते ही आपका भाग्य तो उज्ज्वल होना ही चाहिए। लेकिन एक्टिंग का क्षेत्र ऐसा है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, वो ऐसा ही क्षेत्र क्रिकेट या स्पोर्ट्स का है,
वहाँ पर आपको अपनी दम पर अपना वर्चस्व बनाना होता है। कई सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके बच्चे सफल नहीं हो पाते, आप भी जानते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके बच्चे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पर पिता का नाम नहीं चलेगा, माँ का नाम नहीं चलेगा, आपका अपना नाम चलेगा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो मेरी समझ में बुध है। तो बुध से सेंसिटिविटी है, बुध से इंटेलिजेंस है, बुध से अंडरस्टैंडिंग है। ये बताते हैं कि जब ये ब्लैक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे भंसाली जी के, तो वहाँ पर ये बोलते हैं मेरे को थप्पड़ भी खाने को मिले और मेरी बेइज्जती भी हुई, मैं फ्लोर साफ भी करता था और मैं असिस्टेंट भी था, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था पीरियड। लेकिन इनकी ज़िद या वो हिम्मत कि मुझे अपने आप अपना कुछ करना है, तो ये जो बचपन में आपने देखा अपना माहौल, तो उस माहौल से आपको लगता है कि अगर मेरा अपना अस्तित्व नहीं हुआ तो मैं फिर इस माहौल में पिसता रहूँगा। तो ये भी बात है। तो बुध जो है बड़ी सेंसिटिविटी देता है, तो बीच बीच में इनको डिप्रेशन भी हुआ, कई तरह की दिक्कतें भी आईं, लेकिन ये जो इनका पूरा व्यक्तित्व है और बुध के कारण ही इनकी जो एक्टिंग के दौर हैं, जिसमें कई तरह की फिल्मों में काम किया आप जानते हैं, तो इनकी जो पहली फिल्म में ब्लैक में बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर थे ये, सांवरिया से इनकी शुरुआत हुई। सांवरिया फिल्म बहुत चली नहीं थी, लेकिन मुझे को याद है उसमें एक टॉवल का सीन था, तौलिए का, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो वहाँ से तो नहीं चली लेकिन उनके नोटिस में आ गए। उसके बाद बचना ए हसीनो, लकी बाई चांस, मेकअप सेट और अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, राजनीति, बहुत सारी फिल्में थीं जो रॉकस्टार, बर्फी, बर्फी में एक गूंगे बहरे लड़के का या आदमी का रोल किया था जिसके लिए इनका बहुत सारा एप्रिसिएशन हुआ, और ये फॉर्ब मैगजीन में है, 500 लोगों में इनका एक नाम था, ये भी बहुत पहले हो चुका था, और 4 इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बुध की बात कर रहा था, बुध यहाँ पर क्यों है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि एक ग्रह आप कैसे निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ, आसान तरीका है, आप भी निकाल सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। यहाँ पर मंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि मंगल तो बाधक है, तो मंगल का रूल नहीं है। शनि को होना चाहिए था, मैंने बड़ा सोचा शनि को होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शनि लगने से उसको होना चाहिए, लेकिन शनि का स्थिति ये है कि वो 29.05 डिग्री पर है, घर बदल रहा है, तो संधि में आ गया, तो संधि में आया हुआ ग्रह पूरी तरह से नहीं हो सकता। शुक्र इसलिए नहीं है क्योंकि शुक्र नीच है, हालांकि उसका नीच भंग हो रहा है। अच्छा, शुक्र के कारण एक और बात बताना चाहता हूँ, इनके कई सारे अफेयर हुए जो बड़े पब्लिक में हैं, जैसे पादुकोण के साथ हुआ, दीपिका पादुकोण के साथ हुआ, वो नहीं चला, उसके बाद में कैटरीना कैफ से हुआ जो नहीं चला, आजकल आलिया भट्ट से चल रहा है, इसका क्या क्या भविष्य होगा अलग बात है, लेकिन दो अफेयर मेजर इनकी ज़िंदगी में नहीं चले। इसका मेन कारण जो मेरे को समझ में आता है, जब शुक्र आपका नीच होता है, नीच में होता है, हालांकि इसका नीच भंग है, तो नीच भंग होने से यह हुआ, जब इनके अफेयर टूटे हुई तो कोई पहाड़ नहीं टूटा साथ में, आसमान नहीं गिरा, बहुत म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ ये अलग हो गए। तो ये समझदारी है, तो ऐसी समझदारी बुध से आती है, शनि की समझदारी नहीं हो सकती। शनि से तो अवसाद आता है या घृणा आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर अफेयर टूटता भी है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कल तक हमारी आपकी बात बनी, आज नहीं बन रही इसलिए चलेगा। तो बुध यहाँ पर इसलिए, आज सूर्य नहीं हो सकता कि सूर्य अष्टम का लॉर्ड है और मकर लगन में सूर्य का कोई बहुत रोल नहीं होता। तो जो ग्रह है, जो आउटस्टैंडिंग ग्रह, हालांकि बुध यहाँ पर वक्री है, बुध वक्री होने से आदमी को सफलता तो मिलती है लेकिन उसकी ज़िंदगी में अवसाद भी होता है। उसकी ज़िंदगी में जहाँ सेंसिटिविटी होती है, जहाँ इंटेलिजेंस होता है, जहाँ वो लोगों का माइंड पढ़ सकता है, एक्टिंग कर सकता है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। एक रोल के लिए इनको जाट का रोल करना था किसी फिल्म में, तो उसके लिए ये एक जाट फैमिली के साथ रहे थे 1.5 महीना। तो मतलब ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग के प्रोसेस में बुध इस तरह की सोच देता है कि अगर आपको कोई काम करना है तो वो काम बड़ा इंटेलिजेंटली होना चाहिए, बहुत परफेक्शन के साथ होना चाहिए। अगर इम्परफेक्ट काम है तो आपको खुद ही पसंद नहीं, क्योंकि आप अपने आप को रिजेक्ट कर देंगे, आप कहेंगे दिस इज़
नॉट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इसलिए बुध यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रह हो गया। वैसे भी जो लोग जानते हैं बोलेंगे भाग्य का स्वामी एग्जॉल्टेड है, लेकिन मेरी समझ से। और दूसरा, बुध जो है मून के नक्षत्र में है, मून अपने नक्षत्र में, हालांकि मकर राशि में बैठा हुआ है। तो जब हमारी थ्योरी नक्षत्रों की भी है, नक्षत्रों से जब हम देखते हैं तो मून चूँकि मून अपने नक्षत्र में है तो मून भी सेंसिटिविटी देता ही देता है। और मकर में रहने से एक और बात है कि आप बड़े शाही होते हैं, तो अगर आप इनका व्यक्तित्व देखें, आज भी बड़े शाही मालूम पड़ते हैं, आज भी ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि चालू किस्म का आदमी है, मतलब जो बड़ा बहुत जल्दी से खुलता नहीं है, जिसके भीतर सब कुछ रहता है। और जब इन्होंने रोल किया था संजय दत्त का बायोपिक में, दैट वॉज द ग्रेट रोल, और बहुत ही उसके लिए भी उनको अवार्ड मिला। तो मतलब किसी भी रोल में खप जाना, उस जैसा हो जाना, ये बहुत बड़ी आर्ट है। और ये अपने नाम से जाने जाते हैं, इसलिए नहीं जाने जाते कि राज कपूर के पोते हैं या शम्मी कपूर के इनके फादर के चाचा थे, इसलिए नहीं, ना इनके अपने फादर के नाम से। हाँ, एक अच्छा परिवार है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो क्लीननेस है, किसी बात को जो भी ये रोल करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस रोल में ये बिल्कुल समा गए। जो फिल्में इनकी बहुत फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन क्रिटिक लोगों ने उनको हमेशा इनके रोल को अप्रिशिएट किया है। तो यहाँ पर ये बुध का रोल है। और अभी जो इनको दशा चलती है वो गुरु की दशा चलती है अभी, और गुरु में इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा चलती है जो चलने वाली है 2023 तक। तो हमको लगता है इसी पीरियड में इनका विवाह होगा, और विवाह इनका मनपसंद होगा। आलिया भट्ट से विवाह होने की पूरी पूरी संभावना है। हमें लगता है इनका भविष्य बहुत अच्छा है, और ये फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह के इनके परिवार का नाम है, ऐसा ही नाम अपने लिए पैदा करेंगे, मुकाम बनाएंगे, और उसी रफ्तार से आगे चलते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।